Hello guys, we are going towards Instagram. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रास्ते में दिखाता रहूँगा मैं कहाँ पे हूँ। वैसे मैं जा रहा हूँ यूएस के लिए JF कैनेडी एयरपोर्ट। तो पहले हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जर्नी कैसे जाएगी, कहाँ से जा रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी प्राइवेसी कौन सी कर सकती है। अभी हम पहुँच गए हैं पानीपत पार हो चुके हैं। देखते हैं थोड़ी देर में शायद मुरथल भी आ जाएगा, फिर आपको मैं एयरपोर्ट में दिखाऊंगा आपको एयरपोर्ट के अंदर सीधा। एयरपोर्ट गूगल में नहीं देख लेंगे। नाउ वी आर एट शिवा ढाबा और अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए रुके हैं, उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ IG इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं आपको सीधा वहीं दिखाऊंगा। अब इस वीडियो को यहीं पे ही करता हूँ। हम खड़े हैं अभी टर्मिनल 3 में, गेट नंबर 1A B दोनों यहाँ पे हैं। हमें इधर से अंदर जाना है। अभी मैं हमसे कोई मिलने आ रहा है तो उनका वेट कर रहे हैं। अभी फादर पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे तो उनका वेट कर रहा हूँ मैं। टर्मिनल 3 कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप। टर्मिनल 3 का गेट 1, 2, 3 पता नहीं कितने ऐसे साथ। अभी मैं एंटर कर चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर और मेरा है क्या कहते हैं टर्किश एयरलाइन। तो टर्किश एयरलाइन आ रही है, टर्किश एयरलाइन की बोर्डिंग पास लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नहीं ब्रदर। गाइस यू कैन सी दैट लाइन कितनी लंबी है, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा वेब चेकिंग की लाइन है कि बोर्डिंग पास की है कि पता नहीं क्या है। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखता हूँ बताता हूँ आपको। गाइस जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी वो क्या कहते हैं वेब चेकिंग और बोर्डिंग पास दोनों की थी। एक लाइन डाइवर्ट हो रही थी, मतलब बोर्डिंग पास के लिए, और एक वेब चेकिंग के लिए। जिसने वेब चेकिंग नहीं कर रखी है उसका मे बी 1.5 और 2 घंटा और एक्स्ट्रा जाएगा लाइन में, क्योंकि लाइन एक्सट्रीमली बहुत लंबी लाइन है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फ़्लाइट खुद बुक कर रखी है तो प्लीज़ आप अपना ऑनलाइन वेब चेकिंग ज़रूर करके आइए, इससे कि आपका टाइम बच जाएगा। मे भी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 घंटा तो बच जाएगा आपका वेब चेकिंग है। तो सीधा मुझे तो सीधा बोर्डिंग पास वाली लाइन मिली है, ये वेब चेकिंग है इधर। और अभी भी आए जा रहे, पीछे जितने खड़े हैं सारे वेब चेकिंग के लिए होगा, और ये सिर्फ सीधा बोर्डिंग पास।
गाइस एज यू कैन सी दैट दिस इज ड्यूटी फ्री, इसको तो आप जानते ही होगे। ड्यूटी फ्री में देख लो भाई, जिसको कुछ लेना हो तो ले जाना है ऐसे। ये है कि टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री। जो अल्कोहल फैन हैं वो तो भाई कंज्यूम कर सकते हैं, मैं तो दूर हूँ इन चीज़ों से। यहाँ से निकलना ही अच्छा है, आई डोंट लाइक अल्कोहल्स, बट बोतलें अच्छी लग रही हैं। ले जाऊँगा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए जब मैं आऊँगा वापस। मैं भी यार, ब्यूटी है यार यहाँ, मस्त, नाइस यार। मेरा हो चुका है चेकिंग। तो गाइस मैं अभी सिक्योरिटी चेक करके बैठा हूँ, ड्यूटी फ्री वगैरह से होके अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी वेब चेकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी, बाकी आपको मैंने दिखाया था लाइन वेब चेकिंग की कितनी लंबी थी। आई थिंक वेब चेकिंग अगर मैं नहीं कराता ऑनलाइन तो मेरा 2 घंटे वहीं पे वेस्ट हो जाने थे। मैं मिनिमम 1 घंटा और 1.5 घंटा तो वेस्ट हो जाता, श्योरिटी है मेरी। मैंने वेब चेकिंग करवा ली थी ऑनलाइन, तो क्या कहते हैं, मैं सीधा बोर्डिंग पास पे गया और इमिग्रेशन हो गया मेरा साथ के साथ। इमिग्रेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वहाँ पे भी 10 to 15 मिनट्स लगे। और यहाँ तक अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ तक आने में बस मैं गेट में जा सकता हूँ अभी। मेरे पास टाइम बहुत है, मेरा 6:30 बजे की फ़्लाइट है, बट मेरे पास अभी 2-2.5 घंटे और बचे हैं। मुझे लगा था कि टाइम कम है मेरे पास, बट मैंने वेब चेकिंग करा ली थी ऑनलाइन, इसलिए मेरे को बहुत टाइम बच गया, वरना मैं शायद बोर्डिंग के टाइम पे पहुँचता या फिर उससे आधा घंटा पहले में भी ऐसे ही कुछ पहुँचता। बाकी अगर आपने फ़्लाइट खुद बुक कराई है तो आप प्लीज़ अपनी वेब चेकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत आपका टाइम बचा लेती है। और अब तक मेरे सिर्फ 1-1.5 घंटा लगा है अभी तक, और ये सही था। अब मैं अपने उस पर चला जाऊँगा तो आपको मैं फिर बोर्डिंग में दिखाऊँगा आपका, फ़्लाइट में बैठ के दिखाऊँगा आपको मैं। अगर भाइयों किसी को मनी एक्सचेंज कराना तो यहाँ पर भी करा सकते हो, बट इनके जो कन्वर्जन रेट है जो वो बहुत हाई है। देखो USD के 88.62 और स्विस का देख लो 102, बहरीन बाप रे। देखो आप देख सकते हो इसमें आ रखा है, मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आ गया रूबल्स। ब्रिटिश पाउंड्स, ओ पाउंड्स में भी 105 चल रहा है, देखो यहाँ पे 112। मैं आपको इस्तांबुल में, मेरा इस्तांबुल में ट्रांजिट है, इस्तांबुल में भी देखता हूँ आप क्या रेट चल रहा है, फिर न्यूयॉर्क में भी पूछेंगे कि रेट क्या चल रहा है। यहाँ से मेरी बोर्डिंग होगी, ये है गाइस हमारी आज की फ्लाइट टर्किश एयरलाइन। टर्किश वाले प्रोवाइड कर रहे हैं हमको ये
हेडफोन जो मुझे इतने खास नहीं लगे, ठीक ठीक है, मतलब क्वालिटी नॉट सो गुड, बट काम चलाओ है। और साथ के साथ इन्होंने दिया मैं पिलो, और ये मैं भी ये ब्लैंकेट है, ठंड लगेगी तो। स्क्रीन, ये जो स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है, हाँ ये रिमोट से चलेगी। मैं हूँ अब इस्तांबुल एयरपोर्ट में, मेरे साथ मेरा भाई दोस्त मिला एक, ये भी जा रहा है यूएसए। नाम तक नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा अभी तक, बात तो सही, बस ये है कि हरियाणा के हैं। बॉन्डिंग ओवर है। अब देखो यार एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, ट्रांजिट वीज़ा मिल जाए ना इस्तांबुल का, इसके पास तो है, अब मेरे को मिल जाए तो मैं इसके साथ बाहर घूम लूँगा। 20 घंटे का वो है हमारा यार ट्रांजिट, लेट्स सी क्या होता है। एक बार पहले मैं पूछ के बताता हूँ आपको। भाई देखो, दिल्ली का नहीं भाई साहब, टर्की का भी हाल, इतनी भीड़ है यहाँ भाई साहब। पासपोर्ट कंट्रोल, अब मैं जा रहा हूँ ई वीज़ा की तरफ। ई वीज़ा मिल जाएगा तो बाहर घूम लेंगे थोड़ा। 20 आवर का ले ओवर है भाई साहब, इतना बड़ा
चलो अच्छा ही है कंट्री विजिट करने के दूसरी। ये मेरा फ्रेंड है। अभी मैं क्या कहते हैं मेरा ट्रांजिट था इस्तांबुल में और इस्तांबुल की मैंने ले ली ई वीज़ा और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा और आपको भी दिखाएंगे क्या है यहाँ पे और क्या नहीं है और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ फूड भी दिखाऊंगा आपको कैसा है। और बस पहले तो इन लोगों ने बहुत घुमाया कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, पर एंड में ऑनलाइन मैंने अप्लाई कर दिया और कुछ मिनट भी नहीं लगे और वीज़ा आ गया मेरा। तो अब हम बाहर जा रहे हैं। सी यू। देख लो इस्तांबुल की ड्यूटी फ्री। भाई यहाँ पे तो ड्यूटी फ्री नाम कही है बस, भयंकर बहुत महंगा सौदा है वो देखियो। व्हाट्स हैपन खास। वेलकम टू इस्तांबुल एग्जिट सिकिस। भाई अभी हमने एग्ज़िट किया है गेट नंबर 14 से, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमने ये इस्तांबुल क्यूस वो कुछ लिया है, हम 6 बजे हमें वापस आना है। तब तक हम बाहर घूम लेंगे क्या है यहाँ पे क्या नहीं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा गेट नंबर 10 से एंट्री करेंगे और तब जाके वहाँ पे हमें अपने टूरिस्ट गाइड से मिलना है। तो तब तक के लिए हम देखते हैं क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। लेट्स सी टर्की। मैंने एक चीज़ नोटिस करी गाइस यहाँ पे कि सिगरेट बहुत पीते हैं। सिगरेट मतलब कैजुअल है, मतलब कि यार कोई भी पी रहा है एयरपोर्ट के बाहर। हमारे वहाँ इंडिया में एयरपोर्ट के बाहर तो पी नहीं सकते, साले पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। पर यहाँ पे तो कैजुअल है। मैं अगर मैं चल रहा हूँ साइड वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिगरेट पड़ी हुई है हर जगह, कोई भी सिगरेट पी रहा है। बुढ़ा बुढ़ी बच्चे तो देखे नहीं, खैर पीते होंगे वो भी साले पर ज़्यादा धुएँ जैसे कि मैंने सुना है न्यूयॉर्क में वीड की खुशबू रहती है, यहाँ पर साला सिगरेट की खुशबू रहती है। पता नहीं कितनी पीते देखते हैं। अगर किसी को यहाँ पे मेट्रो स्टेशन लेनी हो, मतलब मेट्रो लेनी हो और कोई यहाँ पे घूमने आ रहा है, किसी का ट्रांजिट है यहाँ पे, तो एक चीज़ नोटिस रखना भाई लोग कि रात को 12 से 6 की बीच में मेट्रो बंद रहती है। और तो कोई सोच रहा होगा कि मेरी सुबह फ्लाइट है तो मैं मेट्रो में आ जाऊँगा जल्दी, बट 12 से 6 बंद रहती है मेट्रो। आप प्लीज़ या तो पूरा कन्फर्म करके आना क्या करना है। गाइज ये चेकआउट करो यार, कितना ऑसम लग रहा है, पूरा गार्डन से बना रखा है इन्होंने, मस्त लग रहा है यार। और मेरे पीछे ही एक मॉस्क है शायद, में भी हाँ मॉस्क है, अच्छी लग रही है अभी। एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन खाली खाली से लग रहा है। अब अपना इंडिया में होता IGI में लग रहा है किसी फियर फाइल्स के एपिसोड में। सही बात है, ऑरेंज लाइन देखा ना पूरा भरा रहता है एकदम। टर्की वालों ने, टर्की भी खाते हैं कि नहीं है? टर्की बहुत खाते होंगे वैसे, टर्की बहुत खाते होंगे। ये देखो स्प्रिंग रोल, प्राइस चेक करो भाई। Yes. He hit his mittal. Gabriel Eduardo. Mittal sa. Chavez. Gloria Chavez Ochoa. Valer. Follow me. Hola. Okay, come on. Okay. वे डॉन नाइस। अगे ही बैठ, पीछे बैठे, ये बैठे, चलो अंदर ही बैठ जाएंगे। हेलो हेलो,
I'm with you in the store today. And also first I have to ask the question, this question about the dinner. Is there anyone vegetarian or vegan here in this group? Please raise your hand, I have to count. Vegetarian or vegan? I have to count. Please raise your hands. Okay. Bro, salam. Yavaş. Çıkardı şuraya beni. And also, Kaha hoga tumko. Ben de ne kaçenge. Wedding ile bana ne? This is a walking tour. We have to walk in the some from the some places to some place about 15 minutes. I will give all information about the walking also. And also two part also here the European part, but now one CNET separate European side as a two part. But this two side is the European side of Istanbul. On the CNET separate European side is a two part. And also this street, Bosphorus Street, is very important because connects the Black Sea to Marmara Sea. Marmara Sea is here, this is the inner sea, and also this street connects to Black Sea to Marmara Sea. And the big trade ships from the on the map you can see that this golden horn, this golden horn separates Europe inside of Istanbul as a two part. And the name is Golden Horn, the Yavuz Sultan Selim Bridge. And also we have another options for the connect to two continents. And one of them is the Marmaray. Marmaray is a metro line and also goes under the Bosphorus and also connect to two continents of the Istanbul. And also another option is the tunnel. This tunnel name is the Avrasya Tunnel. And this tunnel also connects the two continents and also goes under the Bosphorus. आप इस्तांबुल की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा है, मतलब नाइस प्लेस। तो कम ही है थोड़ा यार। जय हो। भाई मुझे अच्छी लग रही, पर ये पता नहीं क्या टेस्ट कैसा होगा। बकलोवा, माय स्वीट शॉप। ये क्या भाई, मेट्रो भयंकर सड़क पे ही है क्या? हाँ
बाप रे रैंप मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोफिया मस्जिद है हाँ मे भी इसका नाम सोफिया है और पीछे देखो फाउंटेन देखो कितना अच्छा लग रहा है फ्लावर्स भी अच्छे हाँ मे भी जब अब तक जो ट्रिप हुई है उसका सबसे बेस्ट पार्ट यही है यहाँ पे आके मुझे थोड़ा रिफ्रेश भी लग रहा है अच्छा भी लग रहा है और मैं इंजॉय करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके थोड़े और वीडियोस अभी हम हैं सुल्तान मॉस्क में क्या बोलते हैं इसको वो भी कहा जाता है ब्लू मॉक्स क्योंकि जो अंदर उनकी जो टाइल्स से बनी हुई है ना मॉक्स वो 21,000 ब्लू टाइल्स से बनी हुई है इसलिए इसको ब्लू मॉक्स भी कहा जाता है गैंगस्टर वाइब रात को ऐसा गरम हैंगर गैंगस्टर निकल रहे हैं जीप टैक्सी टैक्सी भी अच्छी है भाई साहब कैमरे में दिख रहा है कि नहीं बट व्यू इज ऑसम आगे सामने तो खतरनाक व्यू है यार कितने बजे निकलूँगा सब बता दूँ आपको एयरपोर्ट में तब तक पहले बाय अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखा दूँगा एयरपोर्ट में और अभी बहुत बज चुके हैं 9:45 का टाइम हो चुका है इस्तांबुल का और कल मेरी फ़्लाइट है सुबह 7:30 US के लिए तो आज मैं गया था बाहर आपको देखा होगा घूमने तो वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट था टर्की की तरफ से वो एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं अगर आप टर्किश एयरलाइंस अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको जो इस क्या बोलते हैं टूर इस्तांबुल फ्री होता है मे बी दूसरी एयरलाइंस के लिए भी होता होगा बट आई थिंक टर्किश के लिए या फिर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसके लिए फ्री होता है दो ऑप्शंस होते हैं अगर आप इस्तांबुल एयरपोर्ट में उतरते हो तो या फ्री लॉन्च ले लो या तो आप फ्री ट्रैवल टूरिस्ट क्या बोलते हैं इस्तांबुल का फ्री वो ले लो पैकेज ले लो एक दिन का होता है एक स्लॉट होता है 12 बजे का और एक दूसरा स्लॉट था जो मैं जिसमें गया था 4 बजे का इसमें हमें 7 बजे डिनर भी हुआ तो बस अभी मैं वापस आया हूँ एयरपोर्ट में कल की मेरी फ़्लाइट है 7:30 की तो देखते हैं अब क्या होता है अब तो मैं कोई अच्छी सी जगह देख के एयरपोर्ट में सो जाऊँगा फिर कल सुबह ही मिलता हूँ आपसे और बाकी आज थक गए हैं बहुत और ये वीडियो मेरे ख्याल से मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा और एक पहले पार्ट में मैं टर्की इंडिया से टर्की का दिखा दूँगा दूसरे पार्ट में टर्की से यूएसए का दिखा दूँगा और आपको इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ओके टिल देन बाय